सो गाइस, टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में अपन किसके बारे में बात करने वाले। तो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन फ्री फायर में रैपर बंडल के ग्लिच के बारे में बात करने वाले। अगर आपने भी ये ग्लिच यूज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर गाइस आपने 2-3 हज़ार का ही ग्लिच करा है तो आपकी आईडी सिर्फ रेस्ट्रिक्शन में जाएंगी, और अगर गाइस आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लिच किया तो आपकी गाइस आईडी बैन भी हो सकती है। गाइस, अगर आपकी आईडी डायमंड रेस्ट्रिक्शन में जाएंगी तो मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे आपकी आईडी वापस से अनलॉक हो जाएंगी। तो गाइस, उस ट्रिक को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड वहाँ पे आपको ffsupport.com सर्च करना है, जैसे मैं करता हूँ आपको वैसे ही करना है। एंड गाइस, जो फर्स्ट लिंक आती है उस पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस, ये आपको ऊपर यहाँ दिखेगा साइन इन करने का, मैंने पहले से साइन इन करके रखा है, इसलिए आप कर लेना। एंड सबमिट अ रिक्वेस्ट पे जाना है। एंड आपका इंडिया रीजन है तो इंडिया रीजन करना, और दूसरा रीजन है तो आप दूसरा रीजन भी कर सकते हो। यहाँ आपको अपनी UID पेस्ट करनी है एंड आपका इन गेम गेम करना है। मेरा स्पाइडर, इसलिए मैं अपना स्पाइडर नाम पेस्ट करूँ, और आपका इस नेगेटिव डायमंड्स पे क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं जैसा लिख रहा हूँ आपको वैसा ही लिखना है। तो गाइस, इस आपको ऐसा लिख लेना है। फिर आपको यहाँ एक अटैचमेंट स्क्रीनशॉट लेके यहाँ एक अटैचमेंट फिल करना है। मेरी आईडी का इस रेस्ट्रिक्शन में नहीं गई है इसलिए मैं यहाँ फिल नहीं कर रहा हूँ। तो आपको एक अटैचमेंट फिल करना है एंड सबमिट रिक्वेस्ट करना है। बस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।